जी, इस वक्त हम मौजूद हैं यहाँ पे मिनाओर दास में। आज एंटी नरकोटिक फोर्स गिलगित बल्तिस्तान ने यहाँ पे मंशिया फ्री सोसाइटी के हवाले से एक तकरीब का एहतमाम किया। इस तकरीब के मेहमान खसूसी नॉर्थ रीजन के जो फोर्स कमांडर एंटी नरकोटिक्स फोर्स ब्रिगेडियर हम्माद अहमद डोगर थे, उन्होंने इस मौके पर खताब करते हुए ये कहा कि पूरे पाकिस्तान में एंटी नरकोटिक फोर्स मंशियात से फ्री करने के हवाले से अपना किरदार अदा कर रहा है। इस हवाले से गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी हम भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। इस मौके पर उन्होंने तकरीब के बाद यहाँ पर तकरीबन 265 केजी के करीब चरस और 8 केजी हिरन और दीगर जो मंशियात थे उसको यहाँ पे नजर आतिश कर दिया। इस मौके पर दीगर मुकर्रीन ने खताब करते हुए कहा कि मंशियात से नौजवानों को बचाने के लिए स्कूलों के अंदर और माशरे के अंदर नौजवानों को अवेयरनेस देने की जरूरत है ताकि उस उम्र के अंदर नौजवानों को यह समझ में आ सके कि मंशियात के क्या नुकसान थे। जबकि आपको यह भी बताता चले कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर एंटी नारकोटिक्स फोर्स का सिर्फ एक ही थाना है जिसको एक डिप्टी डायरेक्टर हेड कर रहा है। पूरे रीजन के अंदर सिर्फ 23 मुलाजमीन हैं जो इतने बड़े रीजन के अंदर मंशियात को खिलाफ क्रैकडाउन के लिए ऑपरेशन कर रहे हैं जो कि नाकाफी हैं। इस हवाले से यहाँ के सिविल सोसाइटी और सियासी इंतजामिया का भी ये भी कहना है कि ऐसा हवाले से वफाकी हुकूमत फौरी तौर पर एंटी नारकोटिक्स फोर्स के गिलगित बल्तिस्तान के तमाम अजला के अंदर थाने कायम करे, स्टाफ तैनात करे ताकि यहाँ पे जो मंशियात के हवाले से जो एक बूस्टअप हुआ है, जो चीज़ यहाँ पे फैल रही है उसको रोका जा सके। जी।